अभी जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस यस ओके ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमारा अमेजोन होलसेल कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है, और जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। आगे आने वाले बहुत से लेक्चर्स जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है, और बाद में जो है वो मैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगी जो भी आपके प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड होंगे और जो आज के लेक्चर से रिलेटेड भी होंगे, ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको कह सकते हो कि ये होलसेल मॉडल की बैकबोन है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है वो सेंटर ऑफ होलसेल मॉडल है, ठीक है। अब वो क्या है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट, और फिर उसके बाद जो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ओके अच्छा जी, अब मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। आप लोगों ने होलसेल मॉडल के अंदर जो है वो एक चीज बहुत ज्यादा सुनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ब्रांड, ठीक है, इनके साथ काम किया जाता है। जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब मैं आप लोगों की बेसिक्स को क्लियर कर रही थी, उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ या होलसेलर्स के साथ या ब्रांड्स के साथ जो है वो हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से इनके साथ फर्दर काम किया जाता है, ये सारी चीजें जो है वो आज के लेक्चर में कवर होने वाली है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटर। ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेज करता है ब्रांड से, ठीक है, और फिर आगे वो होलसेलर को फर्दर सेल कर रहा होता है। अब जैसे हम है ना, हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो हम एज अ होलसेलर जाएंगे, ठीक है। उसने किसी भी ब्रांड से जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट ली होगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल नेस्ले है, डव है, जो भी ब्रांड है उससे उसने प्रोडक्ट ली हुई होगी, फिर आगे फर्दर वो हमें अपना प्रॉफिट रखते हुए दे रहा होगा प्रोडक्ट, और फिर हम उससे लेके आगे फर्दर जो है वो सेल कर रहे होंगे। तो ये एक चेन इस तरीके से चलती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि इस तरीके से बल्क में परचेज की हुई प्रोडक्ट्स को आगे फर्दर जो है वो सेल कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि व्हेन वी गो टू डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग उसको अपने आप को क्या शो करते हैं, हम लोग शो कर रहे होते हैं कि हम क्या हैं, होलसेलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि यू शुड हैव कंपनी डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ। यस, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टेक्ट करने के लिए जाओगे, ठीक है, अभी आप लोगों ने प्रोडक्ट एनालिसिस सीख लिया है कि प्रोडक्ट को इस तरीके से एनालाइज किया जाता है, ये चीजें देखी जाती है जब आपने किसी भी अकाउंट के ऊपर जो वो प्रोडक्ट लगानी होती है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट्स आएंगे कहाँ से, होलसेल मॉडल में वो आएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपसे कुछ कंपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है रीसेलर सर्टिफिकेट। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों का ये जो कोर्स है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल बेस्ड भी है, यानी इसके अंदर साथ साथ प्रैक्टिस भी है चीजों की। अभी मैं सिर्फ आपको बताती जाऊँ, कल को जब आपका जैसे लोग कोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, जब वो वहां से आते हैं और इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उन्होंने ये सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं की हुई होती, ठीक है। हमने जब ये कोर्स अनाउंस किया था या हमने जब इंटर्नशिप अनाउंस की थी, तो वी टोल्ड दिस थिंग कि सब कुछ हैंड्स ऑन होने वाले हैं, सब कुछ रियल बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को रीसेलर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगी, जो कि आपसे डिस्ट्रीब्यूटर अक्सर औकात मांग रहा होता है, बल्कि हमेशा ही मांगता है जब उसने आपको कैटलॉग देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब रीसेलर सर्टिफिकेट का पर्पस क्या होता है, बेसिकली ये होता है टैक्स एग्जम्पशन के लिए। अब इसको आप आसान अल्फाज में इस तरीके से समझिए कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर हमें ना टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो आप नेस्ले की पानी की बॉटल भी पीते हो ना, वो अगर आपको, वैसे आपको पता है वो 18 की आपको 25 की पड़ रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर 7 रुपीज जो है वो आपने स्टेट को टैक्स पे किया होता है, ठीक है। जब आप होलसेलर बन के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे प्रोडक्ट्स लेने के लिए, तो अगर आप उसको रीसेलर सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपका टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोडक्ट देते हुए आपसे टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। आपका टैक्स कौन पे करेगा, जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लाइव हो जाएगी, तो जो भी बंदा कस्टमर आपसे परचेज करेगा वो उस स्टेट को टैक्स पे कर देगा, ठीक है। आपका टैक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास ये रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे आपका टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होता। तो कैटलॉग वगैरह लेने के लिए और फर्दर उनके साथ बातचीत करने के लिए, कॉन्वर्जेशन करने के लिए आपके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से ही समटाइम्स जो है वो स्टूडेंट्स का हैंड्स ऑन नहीं हो रहा होता, सही हो गया। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि यू हैव टू कॉल देम एंड यू मस्ट हैव यूएस फोन नंबर। यस
होलसेल मॉडल में ठीक है, आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि ईमेल करनी पड़ती है, ठीक है ईमेल करनी पड़ती है, लेकिन ईमेल से ज्यादा मैं हमेशा फोकस करती हूँ कॉलिंग के ऊपर। ठीक है, आपने उनको कॉल्स करनी है, जब आप उनको कॉल करते हैं ना, तो फिर उसके बाद एक तो आप लोगों को रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है। ठीक है, ईमेल के ऊपर इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब आपको कॉल पे मिलते हैं। ठीक है, कॉल पे आप ना सिर्फ उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकोगे, बल्कि बहुत सारी चीजों के ऊपर उनको कन्विंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये आ जाती है कि यूएसए का जो फोन नंबर है वो पाकिस्तान से एक तो परचेज होता नहीं है, दूसरी बात ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, लाइक महीने के उसके 19,000 20,000 इस तरह के चार्जेस होते हैं। और ये है कि जब अभी आप लोग कॉलिंग वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, क्योंकि कॉल्स लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना कॉल्स के आपको ना ब्रांड से अप्रूवल मिलता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि फोन नंबर जो है वो देती हैं, क्योंकि पाकिस्तान से परचेज करना इज नॉट समथिंग ईजी। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो नंबर शेयर कर दूंगी, यू कैन कॉन्टेक्ट विद देम एंड यू कैन बाय यूएस फोन नंबर फ्रॉम देम। ठीक है, और वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे पाकिस्तानी रुपीज में जो है वो रीजनेबल देते हैं, महीने का होता है, अनलिमिटेड कॉल्स हैं, जितनी मर्जी आपने कॉल्स करनी है, जितने मर्जी आपने टेक्स्ट करने हैं इस टाइम पे, क्योंकि यूएसए में मॉर्निंग होती है। ठीक है, तो आप कॉल स्टार्ट करो रात के 8 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक, जितनी मर्जी करनी है, जिस स्टेट में करनी है आपकी कॉल्स हो जाएंगी। सही है, कॉलिंग का जो सेक्शन है वो अगला लेक्चर और भी ज्यादा फन होने वाला है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर मैं आपको बाकायदा बताऊंगी कि आपने कॉल पे बात कैसे करनी होती है, आपने कॉल करनी कैसे होती है, मैं किस तरीके से करती हूँ, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगी। ठीक है, तो ये रियल हैंड्स ऑन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट एनालिसिस आप लोग इनिशियल स्टेज पे सीख चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस आपके साथ साथ चलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर से जब आपको कैटलॉग मिल रहा होगा, तो फिर आपने फर्दर उसको जो है वो कीपा के थ्रू एनालाइज कर लेना, लेकिन उस कैटलॉग को लेने के लिए जो है वो आपने पहले उनको कॉल भी करनी है, उनको मेल भी करनी है। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने के बेनिफिट क्या है, यानी फायदे क्या है। सबसे पहली चीज तो यही है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको कैटलॉग दे देता है। अभी तक तो आप लोगों ने प्रोडक्ट एनालिसिस सीखा, आप लोग गए हो, आपने कैटेगरीज के अंदर सब प्रोडक्ट वगैरह देखी होंगी, फाइंड आउट किया होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने होंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो आपको कैटेलॉग दे देता है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, उसमें से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है, तो आपका काम क्या होता है आसान हो जाता है, और फिर आपको ये भी पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट मुझे मिली है ये इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास मौजूद है, मुझे बस परचेज करके क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर लगा देनी है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि ये सब चीजें आपका एसेट है, आपका असासा है होलसेल मॉडल में। जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स आपके पास अच्छे होंगे, आपके पास डाटा होगा, कल को आपके पास जो ही कोई अकाउंट आता है, जो ही कोई क्लाइंट आता है, आपको पता है मेरे पास हर चीज मौजूद है, मैं इसको रनिंग में ला सकती हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्योंकि कैटलॉग का जिक्र किया, तो मैं आपको कैटलॉग दिखा देती हूँ कि वो बेसिकली होता कैसे है। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। अब ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें कैटलॉग दिया हुआ है, ठीक है, कैटलॉग बहुत बड़ा है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको बाद में स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू स्कैन करो तो वो कुछ रह जाती हैं फिल्टर वगैरह लगा के। ठीक है, देखें एक है ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यानी यूपीसी कोड का कॉलम होता है। ठीक है, यूपीसी क्या होता है, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है और ये एक ही होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम प्रोडक्ट को जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप गूगल के ऊपर जाके यूपीसी पेस्ट करोगे तो यही वाली प्रोडक्ट आ जाएगी जिसका ये यूपीसी है। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने ये कोई अपना आइटम नंबर दिया हुआ है, जो भी उन्होंने दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन है यानी उसका नाम लिखा हुआ है, ये मैप प्राइस उन्होंने दी हुई है, मैप प्राइस होती है मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस। ठीक है, इसमें ये होता है ये कुछ ब्रांड्स भी देते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी देते हैं, इसका मतलब ये होता है ये दोनों तरीके से काम करती है, या तो आप इस प्रोडक्ट को कितनी प्राइस से कम का नहीं बेच सकते या ज्यादा का। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो हूँ वो एक कोई भी चीज सेल कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक सेल करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि इसकी मैप पॉलिसी मैंने खुद से लगाई हुई है 20 रुपीज, यानी अगर आपने मुझसे ये प्रोडक्ट लेनी है, फॉर एग्जाम्पल वो मुझसे जो है वो 10 रुपए की वो किताब खरीद रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगी कि इसके ऊपर मेरी तरफ से, क्योंकि ये मेरी किताब है, इसके ऊपर मैंने मैप पॉलिसी लगाई हुई है कि आप इसको 20 रुपए से कम का नहीं सेल कर सकते, अगर करना है तो 20 से ज्यादा का ही सेल करना है, या फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि 20 से ज्यादा की नहीं सेल कर सकती और 20 से कम का ही सेल करो, दोनों सूटते होंगे। ठीक है, और आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। उसके अलावा इन्होंने कुछ केस प्राइस बताई हुई है, ठीक है, अपनी इंडिविजुअल प्राइस वगैरह, और ये बहुत सारे कॉलम्स हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने डिपार्टमेंट बताया हुआ है कि ये पहली प्रोडक्ट जो है ये कोई पार्टी सप्लाई से है, दूसरी टॉयज से है, स्टेशनरी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो हर कैटेगरी की प्रोडक्ट होती है, हर ब्रांड की प्रोडक्ट होती है। ठीक है, यूं फिर ये जो है वो बहुत बड़ा कैटलॉग होता है, और इसको फिर हम जो है वो स्कैन करते हैं करते हैं करते हैं। ठीक है, इसमें कोई थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और फिर हमें कुछ जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सो कैटलॉग ये होता है।
उसके बाद क्या है कि कैटलॉग के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमेज़न के ऊपर सेल हो रहे होते हैं. यस, आपको वहां से प्रोडक्ट्स मिल जाती है, ठीक है. यू कैन इजीली फाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैटलॉग एंड सेल देम. इट इज द इजिएस्ट वे टू फाइंड प्रोडक्ट्स. ऑब्वियसली बात है, दोनों काम आपके साथ साथ हो रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटर भी आ गया, यानी आपको पता लग गया कि इसमें से मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये मैंने लेनी कहाँ से है. तो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट दोनों काम साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है. अब आ जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स बेस्ट कौन से होते हैं. अब देखें, जब आप लोग अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करेंगे ना, तो आपको ये अंदाजा होता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा अच्छा है, कौन सा बेस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसका MOQ और MOP जो है वो लो हो, ठीक है. ये पॉइंट आप अपने पास नोट डाउन कर लें. MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. ये आप लोगों ने ना बहुत मरतबा सुना होगा. मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि मैं अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हूँ, ठीक है, मैंने उसको बोला है मुझे आपके ये एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मुझे डव का एक साबुन चाहिए, वो बोलेगा इसके ऊपर मेरा जो MOQ है ना वो है 20 पीसेस, यानी कम से कम मुझसे आपको इस डव के 20 साबुन खरीदने पड़ेंगे. अगर आप बोलेंगे कि मुझे 19 चाहिए तो मैं 19 भी नहीं दे सकता, 20 लें और उससे ऊपर आपने जितना मर्जी लेना होगा आप वो ले सकते हैं. ये होती है उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, कि हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है कि आपने इस प्रोडक्ट के 20 यूनिट मुझसे लाजमी लेने ही लेने हैं, इससे कम सॉरी हम नहीं दे सकते, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप होलसेल मॉडल में, होलसेल में मतलब नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखें, आप होलसेल पे माल ले रहे होते हैं तो उस पे भी यही चीज काम कर रही होती है. इसके अलावा होता है MOV. MOV होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, VALUE वैल्यू. मिनिमम ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है परचेजिंग लिमिट, यानी कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे वो बोलेगा मेरा MOV जो है वो $500 है, यानी मुझसे अगर आपने कोई चीज खरीदनी है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदनी है, कम से कम भी $500 की आपने मुझसे परचेजिंग करनी है, ठीक है, $500 की आपने मुझसे परचेजिंग करनी करनी है. अगर आप मुझसे 499 की भी करेंगी तो हम नहीं आपका ऑर्डर लगा सकते, फिर 500 से ऊपर आप जितनी मर्जी करो, ठीक है. तो इस तरीके से ना मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के 500 भी होता है, $200 भी होता है, 1000, 1500, 2000, 2500, इस तरीके से मुख्तलिफ परचेजिंग लिमिट्स होती है. अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जिसका MOQ और ये परचेजिंग लिमिट दोनों ही कम होंगी, वो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा होगा. क्यों अच्छा होगा? क्योंकि आप देखें ना, आपका रिस्क जो है वो इन्वॉल्व कम हो गया. लाइक आपका क्लाइंट है वो बोलना चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो कम से स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप बोलोगे यस आई हैव द डिस्ट्रीब्यूटर जिसका MOV जो है वो $250 है या $500 है, तो हम आराम से स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक हो गया. तो अब यहाँ पे एक और चीज क्या आ जाती है कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कितना इजीली कर सकते हैं. जब आपको पता होगा कि मेरे पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, उनकी प्रोडक्ट मौजूद है, सही हो गया. दूसरा ये कि विच अलाउ टू सेल ऑन अमेजोन, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो डायरेक्टली अलाउ करते हैं अमेजोन के ऊपर सेल करना, ऑब्वियसली बात है वो आपके लिए बेस्ट होंगे. जो नहीं भी करते तो इट्स ओके, आप उनसे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं. सॉफ्ट अप्रूवल वाली गेटेड की तरफ हम ना जाएंगे, ना हमें उनकी इनवॉइस की ऐसा जरूरत होगी. उसके बाद है विच प्रोवाइड लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज. अब आपको पता है कि अमेजोन के अंदर जब भी हमने कोई प्रोडक्ट डिलीवर करनी होती है, ठीक है, वेयर हाउस में भी, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी होती है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको लेबल करना पड़ता है, उसके ऊपर लेबल्स लगाने पड़ते हैं जिससे अमेजोन को पता लगता है कि ये प्रोडक्ट फलाने सेलर की तरफ से आई है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आमना LLC है, आमना LLC आमना का अकाउंट है, तो वो देखते ही पता लग जाएगा अच्छा ये आमना LLC की प्रोडक्ट है, उस लेबल को जब वो स्कैन करेंगे. जैसे आपके पास दराज वगैरह की प्रोडक्ट आती है, कोई भी प्रोडक्ट आती है, तो उसके ऊपर जो है वो लेबल्स लगे होते हैं, ठीक है, आपके घर का पता और ये सब कुछ लिखा होता है. सेम सिनेरियो यहाँ पे. अब जो डिस्ट्रीब्यूटर शिपिंग और लेबलिंग दोनों की सर्विसेज दे रहे हैं, यानी वो शिप भी करवा देगा प्रोडक्ट को, ऑब्वियस सी बात है कुछ फ्री में देते हैं कुछ चार्जेस लेते हैं दोनों सूरतों में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होगा. फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि ऑथेंटिक हो, ठीक है. अब ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते कौन से हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ. ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जिनके पास ऑथराइजेशन लेटर होता है ब्रांड की तरफ से. अब ये चीज आपको कैसे पता लगेगी? ये चीज आपको पता लगेगी जब आप उनको कॉल करेंगे, ठीक है. जब आप उनसे कॉल करके पूछेंगे कि क्या आपके पास जितने ब्रांड्स हैं आप उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, और वो आपको बता भी देते हैं, ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट यही है कि आपने उनको कॉल करके ये चीज पूछनी होती है, ठीक है. और इसका एक और ये भी है कि आप उनसे पूछोगे क्या आपकी इनवॉइस अमेज़न एक्सेप्ट करता है, वो भी वो बता देंगे. अगर करता होगा, लोगों की इनवॉइसेस एक्सेप्ट हुई होंगी जिन्होंने उनसे परचेजिंग की होगी, वो ये भी बता देंगे. और वो ये भी बता देंगे कि हम अश्योरिटी नहीं देते लेकिन हम इनवॉइस आपको बना के दे देंगे, ठीक है. तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि ऑथेंटिक होता है और आपके लिए बेस्ट होता है. अब अगले पे हम आगे हैं कि हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.
यानी अब मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन आपने इनको ढूंढना कहाँ से है। अब यहाँ पे तीन इजी से मेथड लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप लिखोगे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, आपके पास बहुत सारे यूएसए के डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपके पास वेबसाइट्स आएंगी, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 बेस्ट होलसेल सप्लायर्स। जब आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर ऑल द लिस्ट जो है वो आपके पास मौजूद होगी, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं कि ये है टॉप 17 यूएसए होलसेल सप्लायर्स, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या हुआ, मुख्तलिफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरा तरीका है कि राइट गूगल बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप कैटेगरी भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो कि आपके पास पेट की कैटेगरी, ब्यूटी कैटेगरी, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाए, तो आप थोड़ा सा इस चीज को चेंज कर लेंगे, ठीक है। आप लिख लो पेट ही लिख लेते हैं, चलें पेट, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, सही है। अब ये देखें, ये एक आ गया, ठीक है। फिर आप नीचे जा रहे हो, ये पेट केयर डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कोई एनिमल फूड इक्विपमेंट है, होलसेल डॉग सप्लायर के नाम से एक आ गया है, ठीक है। ओमेगा पॉ यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर आ गया है, इसके अलावा ये आ गया है, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पे भी आपको इसी के मिल रहे हैं, ये इलीट पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से आ गया, लीमार पेट सप्लाईज के नाम से डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास यहाँ से भी निकल आएंगे, ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है कि राइट एनी ब्रांड नेम एंड फाइंड ए डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर एग्जाम्पल कोरिना इज अ ब्रांड। अब देखें आप लोगों ने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट किए, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेलर स्नाइपिंग के थ्रू आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। जब आप लोग सेलर स्नाइपिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है, उसकी सोर्स पे आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने उसका ब्रांड अलग किया हुआ है, ठीक है, आपने ब्रांड का नाम लिखना है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना है। वहां पे कोरिना है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं लाइक डव, ठीक है। आप लिखो डव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, जिस जिसके पास भी डव की प्रोडक्ट्स होंगी वो सारे आपके पास आ जाएंगे। ये देखें, ये एक आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, इस तरीके से ये सारे आ रहे हैं। बार्गेन होलसेल है, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मेडकेयर एलएलसी है, ओटीसी है, ठीक है, सुपर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, कॉस्मेटिक सप्लायर्स वर्ल्ड है, कितने सारे आ गए। फिर अगली चीज है आपकी अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है। आप खुद से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख लो, आप यहाँ पे लिखो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए स्टार्ट फ्रॉम लेटर ए, यानी ए से जिनका भी आता है वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास आ जाएंगे, आप उनकी लिस्ट तैयार कर सकते हैं कॉन्टेक्ट करने से पहले, ठीक है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स इन एटलांटा, डिफरेंट स्टेट्स हैं यूएसए की, आप लोगों को पता है, ठीक है, कैलिफोर्निया है, ठीक है, न्यू जर्सी है। तो यूं लिखते लिखते आपके पास क्या होगा, हर एक स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाएंगे और आप उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों के पास असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट बेसिकली दिस इज द असाइनमेंट नंबर 3, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अच्छा, असाइनमेंट क्या है कि आपने जो है वो 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स इस तरीके की लिस्ट बनानी है, ठीक है। और ये बहुत आसान है, लाइक मैं कहती हूँ 2 घंटे भी आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। अभी कितने सारे आ गए, 50 डिस्ट्रीब्यूटर की आपने लिस्ट बनानी है। ये तो मैंने आपको मिनिमम दिया, आप इससे 100 बनाओ, 150 बनाओ, जितना मर्जी बनाएंगे आपके लिए ही फायदा है, जितना ज्यादा आप बनाएंगे, ठीक है। उसकी आपने प्रॉपर एक्सेल शीट बनानी है, वो एक्सेल शीट किस तरीके से बनेगी, एक आपने कॉलम बनाया डिस्ट्रीब्यूटर के नाम का, या ठीक है, फिर आपने वेबसाइट लिंक, कॉन्टेक्ट इन्फो, ईमेल, एमओक्यू, ठीक है। इसके अलावा फर्दर जितने भी हैं आप लोग कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लाइक सो मेनी कॉलम्स। अभी जिस तरीके से मैं आपको जब कॉलिंग के सेक्शन में आएंगे मैं बताऊंगी आपने कॉल पे पूछना क्या क्या है, आपने मेल पे पूछना क्या क्या है, आप उन सबको शीट में आगे आगे ऐड करते जाओ। एक कॉलम आप बना लें इनवॉइस का, ठीक है, उसमें लिखें डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस देगा या नहीं देगा, येस और नो कर दें। एक कॉलम बनाए एमओक्यू का बना हुआ है, एमओबी का बनाए, इसके अलावा कैटेलॉग का बना लें, ऊपर कैटेलॉग की हेडिंग डाल दें कि ये देता है या नहीं देता। कुछ बोलेंगे हमारे वेबसाइट से आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, अब वो चीज लिख दो। फिर आप लिखो कि शिपिंग और लेबलिंग सर्विसेज, वो लिखो कि शिपिंग और लेबलिंग सर्विसेज देते हैं या नहीं देते, येस और नो, वो चीज लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एंड में आप एक कॉमेंट का कॉलम बनाओ, वहाँ पे जो आपकी उसके बारे में राय है वो लिखो, जो आपने कॉल पे बात करने के बाद आइडिया
लगाया, आप वो लिखो, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी शायद ना लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास रिकॉर्ड अगर एक जगह पे एक शीट के अंदर मेंटेन नहीं होगा, आप सब भूल जाएंगे। आज आप कॉल करेंगी, सारी इंफॉर्मेशन लेंगी, शीट के ऊपर मेंटेन नहीं करेंगी, कल आप भूल जाएंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या पता किया था, नहीं याद रहेगा किसका क्या MOQ था, क्या MOV था। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब ये तो हो गया स्लाइड्स की हद तक, मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, आपका क्या असाइनमेंट है, ठीक है। अब इससे अगली चीज मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली आपने वेबसाइट रीडिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। वेबसाइट रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं वेबसाइट रीडिंग, ठीक है। कोई एक वेबसाइट हो ना जिसके ऊपर सारी चीजें मौजूद हो, तो मैं आपको दिखा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं मेट केयर एजेंसी, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है। अब जब आपने शीट बनानी है, आपने क्या करना है कि सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने वेबसाइट का लिंक डाल देना, ठीक है। वेबसाइट का लिंक हो गया, उसके बाद आपने लिखना होता है इसका कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल। वो आपको हमेशा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे नीचे जाके जो है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको क्या होगा कि कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। असल में हमने ना इनकी कैटेगरी सर्च की है, बहुत सारी कैटेगरीज आ गई है। आप नीचे आयो, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट अस लिखा है, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक तो इनके इनके यहाँ जो है वो फॉर्म खुल रहा है, ठीक है। फॉर्म भी फिल करके आप इनसे बात कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो इनका फोन नंबर वगैरह होता है। फोन नंबर अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिल रहा, तो इनका जो फेसबुक वगैरह का साइन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वहां से इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा होती है ईमेल वगैरह, और इसके अलावा आप इनकी जितनी डिटेल्स होती हैं वो रीड करते हैं। जैसे ये है, इसने यहाँ पे बताया हुआ कि आपने ऑर्डर किस तरीके से करना है, ठीक है। ऑर्डर को प्रोसेस किस तरीके से करना है। आप देखें फोन नंबर वहां पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे मिल गया। ये इनका फोन नंबर है, ये इनकी ईमेल है, ठीक है। आपने पूरी की पूरी वेबसाइट को क्या करना है, खंगालना है। उसमें से पहली दो चीजें मेन ये है, अभी जो आपका असाइनमेंट होने वाला है वो भी यही है कि पहले आपने 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी वेबसाइट का लिंक, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी ईमेल, ये आपने लाजमी निकाल लेनी है। क्योंकि नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कॉल्स कैसे करनी है, ठीक है। फिर आपने उनसे जो भी क्वेश्चन आंसर पूछते होंगे वो सब कुछ मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगी। आपकी लिस्ट रेडी होगी तो ही आप आगे कॉन्टेक्ट करेंगे ना, आप एक एक को उस टाइम पे बैठ के तो आप फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक चीज हो गई ये। अब मैं चाह रही हूँ कि कोई एक ऐसी एग्जांपल हो जो कि मैंने अभी इंटर्नशिप वालों को भी दी थी, उसमें ये है कि मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। या दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ताकि मैं आपको वेबसाइट रीडिंग अच्छी से बता सकूँ कि वेबसाइट रीडिंग क्या होती है। वो ये होता है कि आप जो है उनको कॉल करने से पहले ही, ठीक है, आप उनके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो जान चुके होते हैं, और ये चीजें आपने कॉल पे भी पूछनी होती है। अब देखें इन्होंने अपना कैटलॉग जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही दिया हुआ है, कुछ जो है वो अपना कैटलॉग क्या करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर ही दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ से जाओगे कॉन्टेक्ट पे, कॉन्टेक्ट पे जाने के बाद आपको इनका कॉन्टेक्ट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने अपना दिया हुआ है, यूएसए का इन्होंने दिया हुआ है, अपना कॉल का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एक ये दिया हुआ है। इसके अलावा ये इन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है। इसके अलावा आप अपनी कंसर्न यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इनका कॉन्टेक्ट का सेक्शन। इसके अलावा आपने क्या करना होता है, FAQs पढ़ने होते हैं। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके सवालात होते हैं उनके जवाब इन्होंने पहले से ही दिए हैं। कॉल पे तो आपने पूछना ही पूछना है, लेकिन यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी, और जो लगती जाएंगी आपने क्या करना है, अपनी शीट के अंदर उसको लिख देना है, ठीक है। पहले इन्होंने बताया हुआ कि आपने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, यहाँ से जवाब मिल जाएगा। आर गुड्स आर सेल ऑथेंटिक, वही चीज जो हम पूछते कि आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने बोला है कि जी हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट सवाल कि आपकी इनवॉइस से अनगेट हो जाएगा अमेजोन पे या नहीं, तो इसके बारे में इन्होंने पूरा का पूरा बताया हुआ। पहली लाइन में इन्होंने बोला हुआ वी विल नॉट सेंड इनवॉइसेस बिफोर पेमेंट, यानी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उससे पहले हम लोग प्री इनवॉइस नहीं देते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने क्वेश्चन ये करना होता है कि आप प्री इनवॉइस हो गए, यानी अभी हम आपसे ऑर्डर नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारे साथ जो है ये तामुन करें कि हमें आप इनवॉइस दे दें, ताकि हम अपने अकाउंट पे लगा के चेक कर ले प्रोडक्ट अनगेट होती है या नहीं होती। अगेन ये चीज आपके रिलेशनशिप से पता लगती है, आप उनके साथ किस तरीके से डील करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप उनको बोलो कि ठीक है आप प्री इनवॉइस नहीं दे सकते, बट हम लोग आपके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और ये हमारे अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, हम इसको बल्क में आपसे परचेज करेंगे, तकरीबन 500 यूनिट तो हम आपसे परचेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप इनवॉइस दे देते हो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वो रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी, तो वी विल डेफिनेटली गोना बाय 500 यूनिट्स फ्रॉम यू।
तो वहां पे भी शायद वो आपको फेवर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू प्रोवाइड प्रेप सर्विसेज फॉर अमेजोन। अब ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी हम प्रेप सर्विसेज देते हैं डॉल। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अमेजोन अनग्रेटिंग के बारे में हो गया। फिर ये किसी ने पूछा, ये सवाल है कि भाई आप हमें इन्वेंट्री लिस्ट देंगे या नहीं देंगे, एक्सेल की शीट, तो वो भी उन्होंने बताया कि हाँ जी हम देंगे। ठीक है, फिर ये ऑर्डर वगैरह के बारे में बताया हुआ है। ये देखें, ऑर्डर नॉट मीटिंग एमओक्यू। अब ये सवाल है कि अगर आप इनसे पूछो कि अगर हमारा आपका एमओक्यू मैं पूरा ना कर सकूं तो क्या आप मुझे ऑर्डर करने देंगे, तो इन्होंने यहाँ पे सख्ती से ये बात लिखी हुई है कि ऑर्डर नीड्स टू बी द एग्जैक्ट एमओक्यू और इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या है कि एमओक्यू लाजमी पूरा करना है हमारा, अदरवाइज हम आपका ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सही हो गया। लीड टाइम क्या है कि आप कब तक डिलीवर करोगे, इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि 3 वीक्स के अंदर जो है वो आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। सही है, इस तरीके से बहुत सारे आगे क्वेश्चन हैं कि क्या आप एफडीए में शिप करते हो, इन्होंने कहा यस हम शिप करते हैं, आपने हमें शिपिंग लेबल वगैरह प्रोवाइड करना है, हम शिप कर देंगे। ठीक है, मैं पता बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये होता है आपने क्या करना है कि पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्डिंग करनी है। जो इनको आपको यहाँ पे मिल गई वो तो आपने लिखनी ही लिखनी है, लेकिन आपने कॉल पे सारी की सारी बातें भी पूछनी है। ठीक है, ये देखिए, ये इनका होलसेल सेक्शन है। अब आप होलसेल सेक्शन के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा कि आप जो है वो इनके होलसेलर वगैरह कैसे बन सकते हैं। इन्होंने बोला यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कुछ बातें जो इन्होंने बताई हैं कि आपको अच्छी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे एंड ऑल सब कुछ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इज दी वेबसाइट रीडिंग, के वेबसाइट रीडिंग जो है वो हमने करनी किस तरीके से होती है। अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है, वो ये है कि क्योंकि जब आप लोग कोर्स में आए थे, कुछ लोग इंटर्नशिप को स्किप करके आए, कुछ बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे हैं। ठीक है, तो मैंने ये चीज आप लोगों को पहले भी बताई थी कि हम लोगों का जो कोर्स होगा वो सिर्फ ये नहीं है कि बातों की हद तक कोर्स होगा। ठीक है, आप लोगों का प्रॉपर जो है वो हैंड्स ऑन भी साथ साथ है। सो दिस इज द मेन थिंग, ये कोई भी नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, आप फर्दर जो है वो आगे उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो अब एक चीज का आपने ये ख्याल रखना है कि आप लोगों की असाइनमेंट अगली क्लास तक, अगले संडे तक रेडी हो। ठीक है, प्रोडक्ट एनालिसिस आप लोग अपना जारी रखें, जो आपके क्वेश्चंस हैं फेसबुक के ग्रुप में आप ड्रॉप करो, वहां जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा असाइनमेंट जिनका बना हुआ होगा, यानी ये लिस्ट वगैरह जिनकी रेडी होगी पूरी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और उसका ईमेल, 2 घंटे का भी ये पूरा काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो लोग मुझे पता होगा कि उन्होंने फोन नंबर भी ले लिया है और वो बिलिंग है, उन्होंने आगे काम करना है, कॉल्स वगैरह करनी है, अपना डाटा बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर से फर्दर बात करनी है, ब्रांड से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं कंपनी के डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि देखे ना, आप लोगों को भी पता है डिफरेंस होना चाहिए। जो बंदा आके मीटिंग अटेंड कर रहा है, ठीक है, मीटिंग भी वो अटेंड कर रहा है, उसके बाद जो है वो असाइनमेंट वगैरह भी बना रहा है, ठीक है, सब कुछ कर रहा है, तो फर्क तो होना चाहिए। आप लोग अग्री करते हैं ना कि उस बंदे में और दूसरों में फर्क तो होना चाहिए। तो मैं सबको तो नहीं दे सकती डॉक्यूमेंट, मैं उसी को दूंगी जो कि वाकई में जो है वो काम करना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपनी डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर नहीं होते। अभी देखें कितने कम लोगों ने अटेंड किए। ठीक है, फीमेल्स आर बिजी, वो क्या करेंगी, अभी बाद में लेक्चर सुनेंगी, एंड आई नो दैट। इसलिए मैं ये अनाउंसमेंट ग्रुप में भी करूंगी फॉर दोज जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया, ताकि वो बाद में सुन सके और उन्हें पता लग सके। ठीक है, सो देयर शुड बी अ डिफरेंस। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को शो हो रहा होगा कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किए। मुझे असाइनमेंट सबमिट करने से कोई इशू नहीं है, ठीक है, ना मेरे पास इतना ज्यादा टाइम होता है चेक करने का, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट एटलीस्ट फॉर द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयरिंग की बात है, तो ये उसी को मिलेगा जो कि बाकी जो डिजर्व भी करता है और जिसने आगे यूज भी करना है। जिसने नहीं करना तो मैं बिला वजह कॉम्पिटिशन क्यों बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अच्छा, किसी ने सवाल पूछ लिया कि मैम हमने असाइनमेंट कौन से सबमिट करनी है संडे को, प्रोडक्ट एनालिसिस वाली। प्रोडक्ट एनालिसिस वाली भी आपने करनी है, लेकिन ये आपका तब तक रेडी इसलिए होना चाहिए क्योंकि उस दिन मैं आपको कॉल्स वगैरह करने के बारे में सब कुछ बता दूंगी। उसी दिन आप लोगों ने फोन नंबर परचेज कर लेना है, ठीक है, उसका भी मैं इंशाल्लाह बंदोबस्त करती हूँ, आप लोगों के साथ कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूंगी, लीस्ट पॉसिबल प्राइस पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप मुझे पता हो इसका असाइनमेंट भी रेडी है, यानी इनके पास डिस्ट्रीब्यूटर की शीट भी रेडी है, ठीक है, और इनके पास फोन नंबर भी आ चुका है, नाउ शी हैज टू मूव फर्दर, और इन्होंने कॉल्स वगैरह करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो मैं आपको फिर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ उसको जिसकी ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, क्योंकि बाकियों को देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और फिर मैंने अगली क्लास बहुत फन होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है इट्स माई फेवरेट सेक्शन कॉलिंग का, तो मैं आपको बताऊंगी कॉल पे बात कैसे करनी है, क्या क्या पूछना है, किस तरीके से पूछना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ना उनका ऐसा लहजा है कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल सी भी इंग्लिश आती है आप उनसे बात कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खुद स्पैनिश होते हैं, उनकी इंग्लिश हमसे भी खराब होती है,
ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट, कोई इसमें वो नहीं है कि वो नेटिव्स हैं हम उनसे बात नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, और फिर आप कॉल्स करेंगे, एंड लिटरली जब आप कॉल्स करेंगे आपको बहुत मजा भी आएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, आपके पास कैटलॉग्स भी आना शुरू होंगे, एनालिसिस आपको ऑलरेडी आ चुका है, साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग। और ये हैंड्स ऑन आपका कहीं भी नहीं होने वाला, आपके पास डाटा भी बन जाएगा, कल को क्लाइंट अगर आपके पास आता है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है, आप उसको बता सकती हो कि मैं कॉल्स भी करती रही हूँ, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, मैं कॉल्स करती रही हूँ ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, मुझे पता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद देम, मैंने उनसे कैटलॉग्स लिए हैं, मैंने उनसे प्रोडक्ट्स लिए हैं, मेरे पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर भी है जिसकी इतनी परचेजिंग लिमिट है, इतनी परचेजिंग लिमिट है एंड ऑल, ठीक है, तो क्लाइंट हंटिंग का पार्ट तो आपका ऑलरेडी क्लियर होता ही जा रहा है, सही है, अग्री कर रहे हैं ना इस चीज से कि आई विल नॉट गोना शेयर डॉक्यूमेंट विद एवरीवन, ठीक है। यूपीसी और एसएन, देखिए यूपीसी जो होता है ना वो हर प्रोडक्ट का एक होता है, प्रोडक्ट का वो आप यूनिवर्सल प्रोडक्ट बोल रहे हैं, यूनिवर्सली आप जहाँ पे भी सर्च करोगे ना आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, जो एसएन है वो सिर्फ अमेजोन स्पेसिफाइड है, ठीक है, यानी अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर वो सिर्फ अमेजोन ने उस प्रोडक्ट को दिया हुआ होता है अपने सिस्टम में, अपने एल्गोरिथम में रखने के लिए, ठीक है, लेकिन यूपीसी जनरल होता है हर प्रोडक्ट का, वो जब ब्रांड्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं जब बना रहे होते हैं उस टाइम पे जो भी यूपीसी दिया जाता है पीछे बार कोड होता है ना, तो वो हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, किसी का भी जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग, दिस वॉज टूडेज लेक्चर, एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया ना, चैट बॉक्स में काइंडली मुझे बताइए, क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ इतना ज्यादा, आई मीन वन यूपीसी पे डिफरेंट एसेंस भी हो सकते हैं, नहीं, एसएन भी, एसएन अमेजोन ने एसएन भी हर प्रोडक्ट का अलग रखा होता है, किसी ने शायद अदीना ने, अदीना दोबारा रिपीट करें अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट संडे को दोनों असाइनमेंट सबमिट करनी है, यस नेक्स्ट संडे तक आप दोनों कीजिए, लेकिन ये वाली लाजमी है क्योंकि ये वाली हुई भी होगी, मुझे दिख रहा होगा तो मैं आपको रीसेलर दूंगी ना, फिर आपने स्टार्ट कर देना इसके ऊपर काम। मैम एमओवी क्या होता है, एमओवी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू यानी परचेजिंग लिमिट होती है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलेगा मुझसे 500 की खरीदारी करनी है, ठीक है, या 1000 की करनी है, तो आपको उस लिमिट के अंदर 2 से 3 4 जितनी मर्जी उसके कैटलॉग में से प्रोडक्ट्स मिले आप उसमें से ले सकते हैं। अदीना ने पूछा है कि मैम मैंने जो प्रोडक्ट एनालिसिस की शीट बनाई है मैं उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकती हूँ, ऑब्वियसली उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्च करना ये तो ज्यादा अच्छी बात है। वट इज आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो ए कंपनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये एलएलसी बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये आपको एस सच देना नहीं पड़ता, प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, सिर्फ रीसेलर सर्टिफिकेट उसी पे, जब आपने कहीं पे फॉर्म फिल करना होगा डिस्ट्रीब्यूटर का तो आपको वहां पे लिखना होगा कि कंपनी कहाँ की है, किस स्टेट की है, जिप कोड, ये वो सब कुछ भी उसके ऊपर मेंशन होता है। हाउ डू वी नो, सॉरी हाउ डू वी नो वाला हो गया, मुनीबा एमओक्यू एमओवी का डिफरेंट डिफरेंस, ठीक है, देखें एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फुल फॉर्म है इसकी, एमओवी का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, एमओक्यू होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इस तरीके से समझें कि वो प्रोडक्ट के यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लाइक आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई हैं, आपको एक ब्यूटी की प्रोडक्ट पसंद आ गई, आपको एक मॉइस्चराइजर पसंद आ गया, उसने नीचे लिखा होगा इसका एमओक्यू है 100 यूनिट्स, यानी आपने उससे कम से कम उस मॉइस्चराइजिंग लोशन के 100 यूनिट परचेज करने ही करने हैं, आप 99 भी नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात जो है परचेजिंग लिमिट यानी एमओवी, वो होगा कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे जाती हो वहां पे लिखा होगा कि 500 परचेजिंग लिमिट है, ठीक है, यानी कि आप $500 की आपने उससे परचेजिंग करनी है, उसके अंदर आप एक प्रोडक्ट खरीदो, दो खरीदो, तीन खरीदो, जितनी मर्जी, लेकिन $500 से कम की खरीदारी आप उससे नहीं कर सकती, बस ये फर्क है, एक में एक प्रोडक्ट की बात हो रही होती है क्वांटिटी की, एक में ओवरऑल खरीदारी की हो रही होती है। अच्छा एक और चीज, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे आपको दिखानी थी, रह गई है, ठीक है, इससे पहले कि मीटिंग एंड हो जाए, क्योंकि मुझे तो इतने ज्यादा वो लग नहीं रहा कि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो रहते होंगे, जिसके लिए मुझे सेकंड मीटिंग का लिंक शेयर करना पड़े, सो ऑलमोस्ट बड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो मैं जो हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। अच्छा एक और चीज ये भी है कि आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को यूं भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने ना लाइव मैप्स दिए होते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको शेयर होगा, ये जो मेडकेयर एलएलसी है इससे आपको ये चीज भी पता लग रही होती है कि ये वाकई में मौजूद है, ठीक है, जब आप उसको गूगल पे लिखोगे कुछ का आ जाता है मेजोरिटी का, आप देखें ये आप लाइव देख सकते हैं, यहाँ पे इस टाइम पे सुबह हो रही है, ठीक है, ये ऑफिस बना हुआ है, ठीक है, हर चीज लाइव है मैप पे, यूं आपने ये रखा डबल क्लिक किया ये आपको आगे ले जाएगा, सही है, डबल क्लिक किया ये आपको आगे ले जाएगा, और ये बड़ी मजे की चीज है, आप अंदर अंदर ये देखें लोग भी दिख रहे हैं, ठीक है, ये लाइव मैप्स हैं, आप देख सकते हैं मेडकेयर एलएलसी ने अपना फिजिकल एड्रेस डाला हुआ है कि हम लोग यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये डिफरेंट ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको क्या चीज होती है, एक ऑथेंटिसिटी जो है वो पता लग रही होती है, ठीक है।
ओके और क्वेश्चंस पूछें जल्दी से क्योंकि 1 मिनट रह गया है, ठीक है, और क्वेश्चन सारे बेसिक्स हैं तो इसलिए जो है वो। अच्छा मुझे काइंडली ये बताइए कि आप लोगों ने फोन नंबर, अच्छा मैं फोन नंबर अरेंज कर दूंगी, ठीक है, मैं आपके साथ, क्योंकि मैंने बताया पाकिस्तान से परचेज नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, तो मिलना मुश्किल होता है। देयर आर डिफरेंट एजेंसीज जो कि प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि यू नो रीजनेबल रेट के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं, तो जिनसे हम लेते हैं मैं उसका नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आपको बड़ा कन्वीनियंट वे में मिल जाएगा। फॉर फुल मंथ आप अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन एक्सेल पे मस्ट है, गूगल शीट या एक्सेल पे ये वाली बनती है जो होती है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा, क्योंकि आगे भी आपने पुट करना होगा, तो इसलिए। जहरा आपको मैं अनम्यूट करूंगी, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी विद योर नेम इन माई पर्सनल, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम जहरा के साथ लिख के और अपना क्वेश्चन जो है वो आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया? अच्छा अदीना ने कहा है कि मैम गूगल सेटिंग्स में जो जाके लोकेशन चेंज करनी होती है वो बता दें, तो अब उसके लिए ये है कि अगेन लेस देन 1 मिनट रह गया, आपने www.google.com के ऊपर जाना है, ठीक है, तो अब मैं कैसे बताऊं, टाइम खत्म हो जाएगा, खैर यहाँ पे आपने